डियर स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर क्लास नाइन्थ के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है क्षय रोग। क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे टीबी के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः लोग इसे टीबी के नाम से ही जानते हैं। बच्चों, सन 1882 में रॉबर्ट कोच नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्षय रोग की खोज की थी। इन्होंने बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु होता है जो इस रोग को फैलाने में सहायक होता है। यह रोग बच्चों खांसने, थूकने और बलगम आदि के माध्यम से फैलता है। अगर कोई रोगी व्यक्ति का बलगम या उसके थूकने से वो क्षेत्र जहाँ पे वो थूकता है उसके जीवाणु उस क्षेत्र की वायु में फैल जाते हैं और उस वायु के संपर्क में जो भी कोई आता है तो ये रोग संचारी रोग के माध्यम से उसमें प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। क्षय रोग के लक्षण बच्चों, यह जिस रोगी में होता है उसे शरीर में कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है और उसे बुखार आ जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है। ये रोग आपके शरीर की अस्थियों, आंतों, फेफड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है और धीरे धीरे ये छाती में दर्द पैदा करता है, जकड़न पैदा करता है जिससे सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। इस रोग के बचाव के लिए हमें BCG का टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को या नवजात शिशुओं को BCG का टीका ज़रूर से ज़रूर लगवाया जाता है। और बच्चों, इस रोग से बचने के लिए इसकी जांच करवाते रहना चाहिए। अगर सामान्यतः किसी रोगी में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसकी जांच करवानी चाहिए। एक्सरे करवाया जाता है जिसके माध्यम से इस रोग का पता लगाया जा सकता है। सार्वजनिक सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस रोग से बचाव किया जा सकता है। नियमित व्यायाम और नियम से टहलने से भी आपकी जो शरीर की क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ती है और ये रोग को कम करती है। तो क्षय रोग बच्चों संचारी रोग है। इसके लिए आपको BCG का टीका आवश्यक है। उसके बाद दूसरा रोग आता है मियादी बुखार, टाइफाइड। ये भी एक तरह का संक्रामक रोग है।